हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में होने वाला सुपर 12 20 T20 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें, यह लीग का नाम है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, और ये जो मैच है भारत के टाइम के अनुसार 9:30 बजे सवेरे खेला जाएंगे, और ये जो मैच अभी भी स्टार्ट होने में लगभग 11 घंटा बचे हैं। तो यहाँ पर अब स्क्रीन पर आपको नजर आता होगा, यहाँ पर मैं 5 ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका। अभी भी हम लोग को यहाँ पर 6ठा ग्रैंड लीग टीम बनाना है भाई। तो ये जो ग्रैंड लीग टीम होगा, आपको मैं लाइव टीम बना के दिखाऊंगा, 6th ग्रैंड लीग टीम। इसमें आपको मैं बताऊंगा कौन सा टीम कितने पोजिशन पे पॉइंट टेबल पे, और यहाँ पर दोनों टीम ने लास्ट कौन सा टीम से जीते हैं हारे, ये सारा जानकारी भी आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोनों टीम के जो लास्ट मैच के स्कोर कार्ड है, कौन सा प्लेयर ओपनिंग पे आए, मिडिल ऑर्डर पे कौन आए, और यहाँ पर डेथ ओवर्स और यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर पे कौन कौन संभाले, ये सारा जानकारी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको 6ठा ग्रैंड लीग टीम किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, आप उनको मैं टीम में रखने के लिए आपको सलाह दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ा पिच रिपोर्ट जान लेते हैं। ये जो पिच है बैलेंसड रहने वाले हैं, और यहाँ पर फेस बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलने वाले हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर 140 से 160 रन तक बन सकता है। और वेन्यू की बात करें, यहाँ पर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, क्योंकि सारा मैच सबको ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार होस्ट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का। अगर यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बात किया जाए, तो यहाँ पर इंग्लैंड टीम ने एक मैच खेले थे, और वो जो मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीता था। और वही आयरलैंड की बात किया जाए, तो यहाँ पर आयरलैंड लास्ट मैच यहाँ पर श्रीलंका से हार गए दोस्तों, यहाँ पर 9 विकेट से। अगर दोनों टीम की बात किया जाए, तो यहाँ पर सुपर 12 में एक एक मैच खेले, इंग्लैंड यहाँ पर 3rd पोजिशन पे, और वही यहाँ पर आयरलैंड की बात करें 5th पोजीशन पे खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको टीम में रखने के लिए सलाह दूंगा। तो पहला विकेट कीपर पे जॉस बटलर को लीजिएगा। अगर यहाँ पर अगर बैट्समैन की बात किया जाए, तो यहाँ पर आपको मैं पॉल स्टर्लिंग, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मैं डेविड मलन को यहाँ पर प्रेफर करूंगा। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में बात किया जाए, तो यहाँ पर सैम करन और यहाँ पर कर्टिस कैम्पर को आप ले सकते हो। और गेंदबाजी में भाई यहाँ पर जॉस लिटिल, और इसके साथ साथ यहाँ पर अब क्रिस ओक्स को टीम में जरूर रखिएगा। ये जो 7 प्लेयर थे आपको टीम में जरूर रखना चाहिए। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो 4 प्लेयर को पिक करना बचे हैं। ये 4 प्लेयर को पिक करने से पहले भाई आपको दोनों टीम की लास्ट मैच की स्कोर कार्ड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। एक बार जाके लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। अगर तब भी लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके इस प्रकार आपको सर्च करना है, @ शत्रुघ्न आपको इस प्रकार टाइप करना है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको नजर आता होगा, उसके बाद 225 इस प्रकार जाके सर्च कीजिएगा। सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे 1600 यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, और एक नहीं दो दो यूजर्स मेरे नाम पे फेक चैनल बनाए, इससे आप दूर रहिएगा। आपको ग्रैंड लीग टीम ज्वाइन करने से क्या फायदा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आज हमारे कबड्डी यूजर्स का विनिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2099 रैंक, मतलब ये 10,000 के स्पॉट्स है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी टीम 10th रैंक पे आए 10,000 पे, और यहाँ पर हमारे ने एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर जीते, यहाँ पर 1-1 रुपया का इन्वेस्टमेंट थी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यूजर की विनिंग, यहाँ पर 25 रुपये की एंट्री की 2 लाख तक थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9756 स्पॉट्स यहाँ पर पूरे टीम बने, और यहाँ पर हमारी टीम 29th रैंक आया भाई। यहाँ पर तो जितने इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो उतने सारे जितने भी लॉसेस है मेरे टेलीग्राम चैनल कवर कर देंगे। अगर आपको हेड टू हेड टीम चाहिए तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसी प्रकार आपको हेड टू हेड 3 स्पॉट 5 स्पॉट और यहाँ पर 10 स्पॉट्स तक इस टीम के साथ खेल सकते हो। अगर आपको ग्रैंड लीग टीम चाहिए, तो आपको 6 ग्रैंड लीग टीम यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे भाई तो 6 ग्रैंड लीग टीम दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ यूजर्स हैं उनको हेड टू हेड 3 स्पॉट्स और 5 स्पॉट्स खेलना ज्यादा पसंद है, तो उनके लिए आपको इसी प्रकार एक फाइनल टीम, पूरे कुल मिला के आपको 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक यहाँ पर हमारी जो फाइनल टीम होता है उसका आपको पूरे 7 टीम दिया जाएंगे। लेकिन ये 7 टीम पाने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपके जितने भी लॉसेस है मेरे टेलीग्राम चैनल कवर कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 7 प्लेयर्स हम लोग पिक कर चुके हैं, अभी भी 4 प्लेयर पिक करना है, लेकिन 4 प्लेयर को पिक करने से पहले दोनों टीम के एक बार लास्ट मैच के स्कोर कार्ड चेक कर लें, तो चलिए वो देख लेंगे पहले। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो लास्ट मैच इंग्लैंड ने खेला था अफगानिस्तान को, यहाँ पर 5 विकेट से हराया था, 11 बॉल लेफ्ट रहे थे, मैच को जीत लिया था। अगर यहाँ पर इंग्लैंड टीम के स्कोर कार्ड की देखा जाए, तो यहाँ पर जॉस बटलर लास्ट मैच में 18 रन बनाए थे 18 बॉल पे। एलेक्स हेल्स यहाँ पर बहुत सालों के बाद अपने इंग्लैंड टीम में यहाँ पर कम बैक किया और 19 रन बनाए थे 20 बॉल पे, एक छक्का लगाए। डेविड मलन की बात करें 18 रन 30 बॉल पे, बेन स्टोक 2 रन बना के आउट हो गए। लियम लिविंगस्टन यहाँ पर 29 रन बनाए थे 21 बॉल पे। हैरी ब्रुक 7 रन है, मोइन अली 8 रन नॉट आउट रहे। तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, यहाँ पर आप इनको टीम में जरूर रखिएगा।
और वहीं यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में बात किया जाए तो यहाँ पर बेन स्टोक्स ने यहाँ पर पहला ओवर बॉलिंग किया, 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट इनके पास है। क्रिस वोक्स ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया और मार्क वुड ने 2 विकेट लिया। और यहाँ पर सैम करन तो कमाल की गेंदबाजी के हैं, 2 बॉल का मतलब लगभग 4 ओवर गेंदबाजी के 10 रन दिए और 5 विकेट है। तो सैम करन की लास्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी, अदिल रशीद को विकेट नहीं मिला लेकिन यहाँ पर अच्छे गेंदबाजी के। अगर एक्स्ट्रा बॉलर की बात किया जाए तो यहाँ पर इस टीम में मोइन अली भी है, तो मोइन अली गेंदबाजी तो नहीं किया लेकिन यहाँ पर पूरे देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लैंड ने लास्ट मैच में आसान से जीत लिया। तो एक टीम की स्कोर कार्ड देखने के बाद भाई यहाँ पर इसी प्रकार हम लोग देखेंगे आयरलैंड टीम के, तो आयरलैंड टीम की स्कोर अगर देख लेंगे तो हम लोग का फाइनल टीम भी अपडेट हो जाएगी। तो चलिए आयरलैंड टीम की स्कोर भी देख लेते हैं। अगर आयरलैंड टीम की बात किया जाए तो अगर आयरलैंड टीम लास्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट से हार गए तो 30 बॉल लेफ्ट रहे थे, श्रीलंका ने अपने टारगेट को चेज कर लिया था। अगर यहाँ पर आयरलैंड टीम की बैटिंग पे नजर रखा जाए तो यहाँ पर पॉल स्टेरिंग 34 रन बनाए थे 25 बॉल में, जिसमें 4 चौके 1 छक्के लगाए, 130+ स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। एंडी बल्परन 1 रन बनाए, उसके बाद यहाँ पर लॉर्कन टक्कर फ्लॉप रहे, हैरी टक्कर ने यहाँ पर 45 रन बनाए थे 42 गेंदों पर। तो यहाँ पर अगर बैटिंग पे बात किया जाए तो आयरलैंड टीम पूरी फ्लॉप रहे। अगर यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में देखा जाए तो जॉस लेटिन यहाँ पर लास्ट मैच में पूरा हुआ, यहाँ पर 4 ओवर में 45 रन दिए कोई विकेट नहीं मिला। मार्क आइदर यहाँ पर 2 ओवर में 16 रन कोई विकेट नहीं, मैकाटी कोई विकेट नहीं मिला 2 ओवर में 16 रन दिए। लेकिन यहाँ पर गैरेट डेली ने कमाल की गेंदबाजी की, 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट है। तो यहाँ पर गैरेट डेली एक अच्छे विकेट भी ले रहे हैं। कर्टिस कैंप पर 1 ही ओवर गेंदबाजी की, 1 ओवर में 8 रन दिए कोई विकेट नहीं मिला। और यहाँ पर सिमी सिंह यहाँ पर 2 ओवर में 20 रन कोई विकेट नहीं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयरलैंड टीम लास्ट मैच में फ्लॉप रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो एम आइदर को मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ यहाँ पर मार्क वुड को आप टीम में जरूर रखिए। उसके बाद बेन स्टोक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैच में यहाँ पर फेस बॉलिंग भी किए तो यहाँ पर इनका रोल 100% अच्छा रहने वाला है। और बैटिंग सेक्शन में भाई यहाँ पर आपको मैं लियाम लिविंगस्टन को लेने के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ड हिटर है, इनकी रोल 100% अच्छा रहने वाला है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको पिक करना चाहिए तो ये डाउट आपको जरूर आएगा, तो यहाँ पर आपको मैं प्रेफर करूंगा जॉस बटलर को, क्योंकि यहाँ पर T20 फॉर्मेट के लिए भी फिलहाल बहुत अच्छे प्लेयर है। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन डेविड मलन को भी ले सकते हो, कर्टिस कैंपर भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको मैं प्रेफर करूंगा बेन स्टोक्स, नहीं तो सैम करन को ले सकते हो। तो बेन स्टोक्स को आप यहाँ पर बनाए क्योंकि चैंपियन प्लेयर है भाई, इनका रोल 100% अच्छा रहने वाला है। तो एक बार टीम अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर विकेट कीपिंग पे जॉस बटलर है और यहाँ पर बैट्समैन में पॉल स्टेरिंग, डेविड मलन, लियाम लिविंगस्टन है। ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स, सैम करन, कर्टिस कैंपर है। और गेंदबाजी में यहाँ पर क्रिस वोक्स है, यहाँ पर मार्क वुड, मार्क आइदर, जोशुआ लिटिल है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बेन स्टोक्स और यहाँ पर जॉस बटलर को कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बनाया। तो भाई ये जो टीम है ये 6ठा ग्रैंड लीग टीम हमारा बन गया, लेकिन इससे पहले इस टीम को सेव करके रख लेना। तो यहाँ पर मैंने 6ठा टीम आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पहला ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने 5 बैट्समैन को लिया, जॉस बटलर विकेट कीपर है, 5 बैट्समैन स्टर्लिंग, डॉकरल, एलेक्सेस, लियाम लिविंगस्टन, हैरी टक्कर है। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स, सैम करन है भाई यहाँ पर, और गेंदबाजी सेक्शन में अदिल रशीद, क्रिस वोक्स और जॉस लिटिल है। तो ये मेरा पहला ग्रैंड लीग टीम है। अगर दूसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो यहाँ पर जॉस बटलर और यहाँ पर पॉल स्टेरिंग, एलेक्सेल, डेविड मलन है। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स, मोइन अली, सैम करन, कर्टिस कैंपर है। और गेंदबाजी सेक्शन में भाई यहाँ पर मार्क वुड, जोशुआ लिटिल और यहाँ पर बी मैकाटी है। तो ये मेरा दूसरा ग्रैंड लीग टीम है। अगर तीसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पर एक विकेट कीपर जॉस बटलर, उसके बाद स्टर्लिंग, मलन, लिविंगस्टन, हैरी टक्कर है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बेन स्टोक्स, सैम करन, गैरेट डेली है यहाँ पर। अगर यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में बात किया जाए तो ओक्स, मार्क वुड, जोशुआ लिटिल है। यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे लियाम लिविंगस्टन, यहाँ पर गैरेट डेली है। तो ये जो टीम है मेरा तीसरा ग्रैंड लीग टीम है। अगर चौथा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 विकेट कीपर बटलर, लॉर्कन टकर है। और यहाँ पर बैट्समैन सेक्शन में स्टर्लिंग, मलन, लियाम लिविंगस्टोन है। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स, सैम करन, कर्टिस कैंपर है। और गेंदबाजी सेक्शन में भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोशुआ लिटिल है। तो यहाँ पर ये जो टीम है मेरा चौथा ग्रैंड लीग टीम है, कैप्टन वाइस कैप्टन पे, वाइस कैप्टन पे पॉल स्टेरिंग और सैम करन यहाँ पर कैप्टन है। तो 4 ग्रैंड लीग टीम तो हम लोग देख लिए, लेकिन 5वां ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो यहाँ पर एक तो डिफरेंट टीम मैंने बनाए भाई। यहाँ पर इंग्लैंड के 5 प्लेयर, आयरलैंड के 6 प्लेयर्स हैं। तो लॉर्कन टकर विकेट कीपर पर जॉस बटलर को यहाँ पर मैंने निकाला, और यहाँ पर मैंने 6 बैट्समैन स्टर्लिंग, डॉकरल, एलेक्सेल, डेविड मलन, लियाम लिविंगस्टन, हैरी टक्कर है। और मोइन अली यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में, और गेंदबाजी में अदिल रशीद है भाई यहाँ पर, उसके बाद मार्क आयदा, जोशुआ लिटिल। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन पे बात किया जाए तो एलेक्सेल्स और यहाँ पर मोइन अली है। एलेक्सेल्स लेने के कारण है क्योंकि भाई ये बिग बॉस लीग सारे मैचेस बिग ऑस्ट्रेलिया पिचेस पे होते हैं, तो इनके एक्सपीरियंस यहाँ पर साथ दे सकता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में मैं समझ के एलेक्सेल्स को कैप्टन बनाए, और मोइन अली यहाँ पर एक ना एक मैच पर खतरनाक होंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मोइन अली वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा प्रेफर रहेगा। तो 6ठा ग्रैंड लीग टीम आपको मैंने लाइव बना के दिखाया, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 ग्रैंड लीग टीम मैं तो बना के आपको दिखा दिया। फाइनल टीम भी आपको जो होगा आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। उसके बाद दोस्तों ये इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच में ये मैच है, यहाँ पर पहला
आपको कल का मैच है 9:30 बजे खेला जाएंगे, तो यहाँ पर ये मैच तो हम लोग दे रहे हैं। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर 1:30 बजे एक और मैच खेला जाएंगे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में, इसका भी आपको 6 ग्रैंड लीग टीम मिलने वाले हैं, तो 6 ग्रैंड लीग टीम के लिए तैयार रहना। उसके साथ साथ यहाँ पर परसों से यहाँ पर इंडिया वर्सेस नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में 2 मैचेस हो गए, तो दोनों की आपको ग्रैंड लीग टीम 6-6 ग्रैंड लीग टीम दिया जाएंगे। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर गुजरात और यू मुंबा के यहाँ पर और दबांग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के दोनों की वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं, और यहाँ पर वीडियो अनलिस्टेड पर बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियो को रिलीज करूंगा, पब्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपको पूरे 4 ग्रैंड लीग टीम मतलब पूरे 4 मैचेस में 24 ग्रैंड लीग टीम मिलने वाले, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहना। इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ क्रिकेट की बात किया जाए, तो यहाँ पर क्रिकेट के 2 एक्स्ट्रा मैचेस भी रहने वाले हैं, तो दोनों मैचेस यहाँ पर इंडिया नेदरलैंड साउथ अफ्रीका बांग्लादेश इसका वीडियो बहुत जल्दी भी अपलोड हो जाएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहना, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैचेस है उसको भी कवर करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।